माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और ये बात सब जानते हैं कि दुष्टों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा ने ये रूप धारण किया था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका वर्णन भी वहाँ मिलता है। हम आपको बता दें कि एक बार दारुक नाम के एक असुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनके द्वारा दिए गए वरदान से वो देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के जैसे दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक स्थान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। तब उनको ब्रह्मा जी ने बताया कि ये दुष्ट केवल स्त्री के द्वारा मारा जाएगा। जब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धारण करके दुष्ट दारुक से लड़ने गए, लेकिन वो दैत्य बहुत ही बलशाली था और उसने उन सभी देवों को परास्त करके भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के बारे में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर माँ पार्वती की ओर देखा और कहा कि हे कल्याणी, दुनिया की भलाई के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ये सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से अपना रूप धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वो काले रंग में परिवर्तित हुआ और भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र के द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले रंग वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी और कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल तथा कई प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से वो सुशोभित थीं। माँ काली के भयंकर तथा विशाल रूप को देखकर देवता तथा सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक सहित सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के गुस्से की ज्वाला से पूरा लोक जलने लगा और उनके क्रोध से संसार को जलते हुए देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे और जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वो उनके उस रूप से मोहित हो गईं। आदर भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने अस्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगीं। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया, जिससे उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति उत्पन्न हुई जो क्षेत्रफाल कहलाई। शिवजी के द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वो मूर्छित हो गईं। तब देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को तांडव करते हुए देखा तो वो भी नाचने लगीं, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। इस तरह से माँ दुर्गा के इस काली रूप की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। ओम।